take the next left to stay on National Highway 30. नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम सानी और आप देख रहे हैं बी स्टार ब्लॉग। और आज हमारा ट्रिप है छत्तीसगढ़ से बिहार, और इंटरव्यू दे रहे हैं अपने घर पे आके। हम घर पे आ चुके हैं, तो आप लोग पूरा जर्नी देखिए, इसमें कैसा कैसा हम आए हैं पूरा बताए हैं। और ये दो पार्ट में वीडियो बनाया गया है, सेकंड पार्ट कल देखने के लिए मिलेगा। हम सेकेंड टोल प्लाजा पार कर रहे हैं, और फर्स्ट वाला जो था भिलाई से रायपुर वाला, वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। और इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे बिलासपुर के लिए। Take the next left to stay on National Highway 30. अभी हम लोग रायपुर से निकल चुके हैं और अभी जाएंगे सीधा बिलासपुर, बिलासपुर से कोरबा, और उसके बाद हम लोग रामानुजगंज गढ़वा होते हुए बिहार जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और कैसे कैसे जाना है उसको भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। लगभग अभी बिलासपुर है, हम लोग रायपुर से भी आगे आ चुके हैं, और यहाँ से बिलासपुर है लगभग अभी 100 किलोमीटर। तो अभी हम लोग शिवनाथ नदी के पास आ चुके हैं, और इसके बाद अभी कोरबा कम से कम तो 150 किलोमीटर दूर है, और अभी बिलासपुर 50-55 किलोमीटर दूर है। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो को आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग अरपा नदी पार कर रहे हैं, ये देखिए अरपा नदी का पुल है, पुलिया। यहाँ से सीधा हम लोग राइड जाएंगे। हम लोग स्टॉपेज किए थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी बिलासपुर शहर पार कर दिए हैं, और इसके बाद जाएंगे हम लोग कोरबा, और कोरबा में रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बिहार की ओर। और अभी देखिए 2 बज गए हैं, और सुबह हम लोग 8 बजे निकले थे, और यहाँ से देखिए कोरबा है 55 किलोमीटर।
कि यहाँ पे एक मार्केट लगा हुआ है और यहाँ से कोरबा ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 47-47 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब आप लोग आगे देखते हैं। काफ़ी फ्रेश रोड है, एकदम मक्खन की तरह एकदम चिकना है। और इधर से हम लोग अपनी स्पीड में चल रहे हैं और आगे चलिए, अब कितना समय और लगता है कोरबा जाने में हम लोगों को। छोटा सा गांव है, एक ब्रेकर का निशान दिया हुआ है। देखिए कितना हरा भरा पेड़ पौधे और इसमें खूबसूरत सा रोड। यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ से लगभग कोरबा भी है 20-30 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉपिज करेंगे कोरबा में रात भर के लिए। और इधर देखिए थक के बैठी हुई है, वहाँ अपना बाइक लगा हुआ है। और कोरबा के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ सीधा कोरबा जाएंगे। और वीडियो को हम लोग ये दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। ये अपने गाड़ी के बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा एक बैग है और इसमें डिक्की में कुछ खाने वाला सामान है, चाबी ऑन है और तेल देख सकते हैं, अभी ऑन करेंगे तो और बढ़ेगा। ये हमने टंकी पूरा फुल करवाया था और अभी बिहार जाते जाते एक बार और हम लोग को टंकी में तेल डलवाना होगा। और ये हमारा हेलमेट, और ये देखिए इसमें अपना मोबाइल को अटैच करके वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारा हंट का हेलमेट है और एक ये बैग है और गाड़ी है 100cc HF डिलक्स। अगर आपको भी कभी अगर छत्तीसगढ़ से अगर बिहार जाना है तो ये रूट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और गाड़ी ये जरूरी नहीं कि स्पोर्ट बाइक रहे, ये 100cc है और उसी से हम जा रहे हैं। ये HF डिलक्स का इसी से हम जा रहे हैं कि दिक्कत रात को गाड़ी आप 8 बजे तक चला सकते हैं, 8 बजे के बाद आप कहीं भी एक रेस्टोरेंट पे स्टॉप कर लीजिए वहाँ पर। तो दिन में चलने से अच्छा रहेगा कि आप लोग खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही जंगल में आने जाने से कोई दिक्कत हो पाएगा। तो भैया और इन्फॉर्मेशन आगे देंगे आप लोगों को। और एक मेरा एक लोकेशन देखने वाला इसमें लगाया हुआ है और बाकी तो ऊपर बोर्ड पर लिखा रहता है, तो उससे भी देख देख के हम आ सकते हैं। और यहाँ का रोड अब यहाँ से देखिए, अब एक बार में हम अगर वीडियो बनाते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से हम लोग को कोरबा 29-30 किलोमीटर पड़ेगा जाइए, क्योंकि ये खाली खाली रोड है। तो हल्का कबादा रास्ता जा रहा है हम लोग, कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर लंबा ट्रिप है तो और दवा अगर मिलेगा तो घूम लेंगे। बाज़ार लगा है तरदा का, तरदा बाज़ार छत्तीसगढ़ के जा रहे हैं। ये
हम लोग को चढ़ना पड़ेगा इसमें। ये वाला लोग छोड़ देना होगा पूरा। चलिए आगे पूछ लेंगे, वो मेरे को नहीं रोड लग रहा है कोरबा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, अभी मैं फ़ोन पकड़ा हुआ है कि मेरे पास फोन है, लोकेशन देख नहीं सकता हूँ, इसलिए किसी और से पूछना होगा। है तो बताएगा नहीं। कोरबा जाना है, कोरबा भैया बताए, सीधे जाना है। धान तो एकदम कट रहा है, लगभग हम लोग कोरबा में आ चुके हैं। बस कुछ ही दूर बाद अब हम लोग को थोड़ा एक रिलेशन में जाना है, वहीं पे चले जाएंगे आज रात के लिए, और उसके बाद सुबह निकलेंगे। तो बस अभी वहीं जाने का तैयारी में है, और देखिए इधर रोड कितना ख़राब है, फिर भी देखिए चलना है इसी रोड में। तो आज का शाम यहीं पर बिताएँगे, सुबह निकलेंगे कल और सीधा बिहार के लिए, अपने गाँव के लिए। तो अपना स्टॉपेज देखते हैं। तो अभी मैं कोरबा में आ चुका हूँ, ये रोड अभी ख़राब है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं कोरबा का खूबसूरत बांध। अब आज रात भर यहीं पे रुकेंगे, और कल यहाँ से निकलेंगे। तो आज का स्टॉपेज यहीं तक रहेगा, और चलिए थोड़ा सा और आगे आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद कल सुबह से अपना जर्नी स्टार्ट होगा। बैग उठा उठा के थक गई है, साइकिल टंग के आ रहा है। और ये कोरबा का डैम है, अगली बार आऊँगा तो इसका अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा आप लोगों को। 4:30 हो गया है, 4:40। कनेक्टिंग रोड है, देख सकते हैं। तो एक बार यहाँ से नज़ारा आप लोग को दिखा देता है, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। देख सकते हैं NTPC है, then turn left onto National Highway 149B.
हाईवे 149B, then turn left to stay on National Highway 149E. Take the next right to stay on National Highway 149B. वो वाला ये कहाँ जाएगा रोड? ये भी पार्क ही जाएगा, लेकिन इधर से रास्ता नहीं जानते, इधर जाएगा सीधा पार्क निकलना। फाइनली हम लोग अभी कोरबा पहुंच चुके हैं और यहाँ से कल सुबह निकलेंगे, सुबह जितना सुबह हो सके, जितना जल्दी हम जितना सुबह जाएंगे उतना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे, तो कोशिश करेंगे सुबह सुबह निकलने के लिए एकदम। तो आज पार्ट वन का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते हैं कल का सफ़र कैसा होता है। आज तो जैसे तैसे गुजर ही गया और अच्छा से ही निकला, जहाँ तक ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। तो चलिए अभी रात हो चुके हैं, अब हम सोएंगे और इसको एडिटिंग करके आप लोगों को देना भी है। तो चलिए गुड नाइट।